पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद महानगर द्वारा महिला दिवस पर दुर्गा वाहिनी सम्मान समारोह का कार्यक्रम लाइनपार रामलीला ग्राउंड स्थित ब्लू बेल्स कॉन्वेंट स्कूल में किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों से आई 24 बहनों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर मीनू मल्होत्रा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष नीरज सिंगल ने की व संचालन कशिश चौहान ने किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मीनू मल्होत्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि दुर्गा शक्ति की उपासक है और वह समय समय पर देश धर्म गोरक्षा और अन्य देश विरोधी गतिविधियों के लिए शस्त्र उठाती रही है। धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं के मन में समर्पण का भाव रखना चाहिए और इसी भाव के साथ बहनों को दुर्गा वाहिनी के साथ जुड़ना चाहिए। बजरंग दल की प्रांत संयोजिका प्रतिष्ठा कंबोज ने बताया कि बहनों को आत्मरक्षा और अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए दुर्गा वाहिनी समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती रहती है, जिसके लिए हर दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता को ये 7 दिवसीय वर्ग अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वाहिनी के सम्मान समारोह कार्यक्रम में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराने वाली कुल 18 बहनों को सम्मानित किया। सम्मानित की गई बहनों में कशिश चौहान, सलोनी, श्रद्धा कंचन, रुचि, लक्ष्मी, पुष्पांजलि प्रमुख रूप से रही। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर विमिता अग्रवाल, डॉक्टर सुषमा राठी, कुसुम खन्ना, अल्पना, रितेश गुप्ता, कविता व्यस्त, कविता गुप्ता, निधि गुप्ता, राज कमल गुप्ता, यशपाल सिंह ने बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में महानगर अध्यक्ष नीरज सिंगल ने कार्यक्रम में आए सभी बहनों का आभार प्रकट किया एवं दुर्गा भाईनी को महानगर में बढ़ने के उद्देश्य से दुर्गा भाईनी की घोषणा भी की, जिसमें चंद्र नगर प्रखंड में रश्मि सैनी संयोजिका एवं शिल्पी सैनी को सह संयोजिका, बुद्धि विहार प्रखंड में कशिश चौहान को संयोजिका, रश्मि तिवारी और शस्त्र अधिकारी को सह संयोजिका बनाया गया। कार्यक्रम की व्यवस्था में मुख्य रूप से शिल्पी सैनी, सोनम, ज्योति बंसल, अविनाश गुप्ता, गौरव भटनागर, वरुण शर्मा, सुभाष शर्मा, अंजना भारद्वाज, आंचल नीलिमा प्रमुख रूप से उपस्थित रही। आर्थिक संपन्नता हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें हम ना हो, ऐसा कहीं नहीं है। आज जेंडर से नहीं आंकी जा रही हैं हम नारियां, किंतु अदर साइड ऑफ कॉइन ये भी है कि अभी भी आधी आबादी की आधी भागीदारी नहीं। दुर्गा वाहिनी का एक कार्यक्रम है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। आज हमने दुर्गा वाहिनी सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया है और हमने उन युवतियों को यहाँ पे आज सम्मान दिया है जो विषम परिस्थितियों में भी अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरे महानगर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रही हैं और अपने जज्बे का परचम लहरा रही है। दुर्गा वाहिनी का काम महिलाओं में संस्कार पैदा करना है, साथ ही साथ हिंदू संस्कृति जो हमारी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता को लोग अपना रहे हैं, तो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना दुर्गा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगी, आज हमारे यहाँ सम्मान समारोह हुआ है, बहुत सी महिलाएँ जो विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रही हैं, तो मेरी महिलाओं से यही अपील है कि अगर उन्हें कहीं भी वो पिछड़ी अपने आप को समझती हैं, अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, तो ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में महिला कमज़ोर होने के बाद भी आगे बढ़ सकती है। अभी हमारे सामने जीता जागता उदाहरण सलोनी जी, जिनके दोनों हाथ नहीं है और PCS अधिकारी बनना चाह रही हैं और साथ ही साथ अच्छा पढ़ रही हैं, हाई स्कूल में 86% ला रही है, टॉपर बन रही है, तो वो हम सबके लिए एक मिसाल है और हम सबको मिसाल बनके आगे आना चाहिए। यही मैं महिलाओं से अपील कर